डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट करते हैं, वाई इजिकल टू लॉग रूट एक्स, तो ये बनेगा डी वाई बाई टी एक्स। इसको लॉग एक्स पढ़े, लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, तो ये वन बाई एक्स यानी कि रूट एक्स हो गया। अब रूट एक्स का क्या होता है, वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू हो जाता है, यानी कि ये बन गया टू रूट एक्स, और इसका भी रूट एक्स यानी कि वन बाई टू एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसको भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, यानी कि ध्यान से पढ़ें, लॉग सेकेंट एक्स टू दी बेस ए है इसमें, तो लॉग एक्स यानी कि वन बाई एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर सेकेंट एक्स से, फिर यहाँ पर लॉग ए, लॉग ए का क्या होगा, यहाँ टू दी बेस ए, लॉग ऑफ ई टू दी बेस ए होता है। ठीक है, अब डेरिवेटिव हमने इसका करना है सेकेंट का, सेकेंट का होएगा सेकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, अगली बात समझ, ये आपने करना था इसको सेकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। दोबारा से देख लें, ये लॉग सेकेंट एक्स है तो वन बाई सेकेंट एक्स, ये वन बाई सेकेंट एक्स आ गया, और आगे होता है लॉग ई टू दी बेस ए, और फिर सेकेंट थीटा का सेकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो इसका आंसर है टेंजेंट एक्स थीटा, मतलब एक्स टेंजेंट एक्स इनटू लॉग ऑफ ई टू दी बेस ए, ये इसका आंसर है, नोट करें लॉग का। अब आपने इसको करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप क्वोशेंट रूल से भी कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे लॉग कोस एक्स की पावर माइनस वन, ये भी ठीक है, यानी तो क्वोशेंट रूल है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये आ गया, और लॉग कोस एक्स की पावर माइनस वन करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। अब लॉग कोस एक्स है वन बाई कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया साइन बाई कोस टेंजेंट एक्स, यानी कि टेंजेंट एक्स अपॉन लॉग कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये नीचे कर दो तो ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए, मतलब यहाँ फाइव लॉग साइन एक्स एज इट इज, इनटू लिखते हैं लॉग ए यानी कि लॉग फाइव। ठीक, ये तो ए रेज टू पावर एक्स की तरह हो गया। अब ये भी डिफरेंशिएबल है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का वन बाई साइन एक्स यानी कि वन बाई एक्स, तो साइन का कोस होता है, ये कोस आ गया, तो दोबारा से लिख दें आप इसको फाइव रेज टू पावर लॉग साइन एक्स इंटू कोट एक्स लॉग फाइव, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नोट करें आप, और ये है डिफरेंशिएट, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स है लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एक्स, इसको लॉग एक्स पढ़ें, तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स वन बाई लॉग एक्स का वन बाई एक्स यानी कि लॉग एक्स, ओके, इन टू ये होता है लॉग ऑफ ई टू द बेस ए, यानी कि यहाँ बेस सेवन है, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव, ये हमारे पास ये होता है
वन बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ ई टू दी बेस ए, तो यहाँ पर भी वन बाई एक्स यानी कि लॉग एक्स है इंटू लॉग ई सेवन है, अब लॉग एक्स भी था तो वन बाई एक्स आ गया और ये आंसर बन गया वन बाई एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ ई टू दी बेस सेवन, ये इसका आंसर है। अगर आप आगे इसको इसका आंसर यूँ लिखना चाहिए भी ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वन बाई ये आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, और इसको ये बेस चेंजिंग फार्मूला लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सेवन के बजाय ई बेस ले लेते हैं, इसका बेस लॉग ई टू दी बेस ई अपॉन में लॉग सेवन टू दी बेस ई, ये फार्मूले मैंने आपको बताए थे, ये पी भाई क्या हुआ तो पी का भी लॉग क्यू का भी लॉग बेस अलग। अब आप नोट करें ये लॉग ऑफ ई टू दी बेस ई वन होता है, बस ये रह गया वन बाई एक्स और लॉग सेवन, बेस ई मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं होता, ये अंडरस्टूड होता है। चलिए ये आ गया, एक क्वेश्चन और देखें। अब हमने इसको करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ई डी वाई बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर एक्स का, ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है, फिर इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी फार्मूला बताया है वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, तो यहाँ ये आ जाएगा एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। तो आप सोच रहे हो ये कैसे आ गया, तो आप इसको देखिए, मैंने आपको ये बताया था अगर हमारे पास ई रेस्ट टू पावर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो तो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल होता है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, इसको आप डायरेक्ट लिख दें आंसर आ जाएगा, और नहीं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करें, यहाँ भी लॉग आएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये भी लॉग आएगा, तो लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आगे आएगा और लॉग ई, लॉग ई टू द बेस ई वन हो जाएगा, यानी कि लॉग वाई और लॉग ये सारा, तो लॉग से लॉग कैंसिल, फिर यही आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ सबसे आसान ये है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस स्टेप को आप नोट करें जो मैंने ये बताया, तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स का वन है प्लस वन बाई टू इंटू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस वन बाई टू और इंटू इनका डेरिवेटिव टू एक्स, इसका जीरो होता है, ये टू कैंसिल हो सकता है, वन प्लस एक्स अपॉन स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, तो ये इसका आंसर, एलसीएम लिखना है लिख दो नहीं तो ये आंसर आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए।